नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रविकांत गर्ग मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले पर मुजफ्फरनगर के व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और साथ ही मुजफ्फरनगर में व्यापारियों को हो रही परेशानियों के बारे में भी अवगत कराया। इस दौरान व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल द्वारा उनको व्यापारियों की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें मुख्य रूप से कोरोना महामारी के दौरान जिन व्यापारियों की मौत हो गई उनको सरकार की ओर से मुआवजे का प्रावधान कराया जाए। लॉकडाउन की वजह से बहुत व्यापारियों का व्यापार खत्म होने के कगार पर पहुंच गया, उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए। वहीं किसान आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो धरने पर बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, वो केवल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के झंडे लगाकर काम कर रहे हैं, जो सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में केंद्र और यूपी सरकार बेहतर काम कर रही है, चाहे वो फसल के दाम हो या गन्ने का भुगतान, सब समय से हो रहा है। अपनी बात नहीं कह सकता, लॉकडाउन में उसके सामने बहुत दिक्कतें आई, जो किराया मकान का, दुकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, बैंक की किस्तें, जो वो किस्तें भी नहीं दे सका। वो किस्तें तो देनी पड़ेंगी बैंक की, लेकिन वो कर्ज बंद हो गया। उसकी तरफ सरकार ध्यान दे। व्यापारी 12 घंटे मेहनत करने के बाद, लट खाने के बाद व्यापार करता है और सरकार को राजस्व देता है। क्या कहा मंत्री ने? मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मैं पहले ये बात कर चुका और आगे भी मैं आपकी समस्या रखने के लिए तैयार हूँ। मुजफ्फरनगर आने पर यहाँ विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से, जो यहाँ की एशिया की सबसे बड़ी गुड़गल्ला गुड़ की खांडसारी की मंडी है, उसके अध्यक्ष संजय जी भी बैठे हैं, महामंत्री भाई श्याम सिंह सैनी जी भी से वार्ता हुई, हमारे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजीव जी भी बैठे हैं और संजीव ताहिल जी भी बैठे हैं, राहुल गोयल जी भी हैं, और सभी व्यापारियों से वार्ता चर्चा हुई है। जो वर्तमान में केंद्र और प्रदेश की जो दोनों सरकारें हैं वो आर्थिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, और आर्थिक प्रगति की दिशा में उनका सोच है, उनकी योजना है, उनका संकल्प है कि औद्योगिक विकास होगा, व्यापारिक विकास होगा, तभी हम आर्थिक प्रगति कर पाएंगे। और 5 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की बनाना चाहते हैं, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी 1 ट्रिलियन डॉलर की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो उसमें औद्योगिक और व्यापारिक विकास से ही वो सब संभव है। और उसके लिए व्यापारियों के व्यापार में, औद्योगिक विकास में सुगमता आए, उसके लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। अनेक विजय मुंडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विजय, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने बैठक में कई अहम बातें कही, क्या कहेंगे? रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रविकांत गर्ग मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने गुड़ जो व्यापारी है उनसे मुलाकात की। गुड़ व्यापारियों ने उनका जोरदार फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जो गुड़ व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रविकांत गर्ग को बताई, वो कहना है कि जो कोरोना काल में व्यापारी, किसी भी व्यापारी की मौत हुई है उनको मुआवजा दी जाए, और जो व्यापार में नुकसान हो रहा है उसकी भी भरपाई करी जाए। ये मांगे रविकांत गर्ग से व्यापारियों ने रखी है। इनका रविकांत गर्ग ने आश्वासन दिया है कि मैं इनको जल्द से जल्द समाधान कराने की कोशिश करूंगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।